पर्सनल बिजनेस भी है, काफी अच्छे लेवल पे है, उनका जाती घर भी है वहाँ पे, उनका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी, मतलब 12-14 हजार, 15 हजार यूरो से ऊपर ऊपर 20 हजार 30 हजार यूरो उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी उनकी है ना, साउंड है ठीक उनकी है काफी। ठीक है ठीक है। तो मैंने पूछना ये था कि मैंने उनसे तकरीबन महीने पहले मैं फंड ट्रांसफर करवाए थे तकरीबन 22-1 लाख रुपए ना, ठीक है। उसके मैंने उनसे उनसे मैंने यूरो लिए थे, यूरो मैंने जैसे पाकिस्तान से चेंज करवाए थे, तो यूरो जो मैंने चेंज करवाए हैं मतलब 7-8 हजार यूरो था, वो मेरे पास स्लिप भी पड़ी है उसकी ना, ठीक है ठीक है। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं चाचू को स्पॉन्सर करता हूँ तो मैं उन्हीं के डेटर लगा सकता हूँ, या अपने अकाउंट में पैसे डालने जरूरी है मेरे पास। अगर तो आपके चाचू जो हैं यूरोप के अंदर रहते हैं, तो यूरोप में एक होता है लेटर हुफ्तिगुंग जिकलारुंग, यानी कि अच्छा लेटर ऑफ कमिटमेंट। आपको वो लेटर लेना है अपने चाचू से और उनकी 3 इनकम स्लिप्स या लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न, अगर उनका अपना ठीक काम है तो वो सबमिट करवाना होता है, और उनका बैंक अकाउंट, और उसमें फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। है। वो मैंने चाचू से बात की है ना, तो मैं क्या मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे ये कहा है कि मेरी 6 जून की और भी है, तो मैंने उनसे कहा है कि आप मुझे प्रॉबेबली मई की लास्ट वीक में ना, तो वहीं से एक एफिडेविट बनवा के उसके ऊपर आपने लिखना है कि वजाहत मेरा भतीजा है, तो ये ऑस्ट्रिया में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी कोई भी फंड की जरूरत पड़ी तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, और ये मेरा हाँ सोचना यूरोप के लिए लिखना नहीं होता, ये यहाँ पे वो बना हुआ मतलब जो है उनको किसी लॉयर के पास जाना है, और वो लॉयर आपको तैयार करके दे देगा। जी, तो वो साथ में मैंने चाचू को कहा है कि आप अपने टैक्स की रिटर्न, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, वो सब चीजें लगा देंगे, तो मेरे मेरी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फिर नहीं पड़ेगी, फिर आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया। वकास भाई, मुझे आप वो जो डॉक्यूमेंट बता रहे थे उसका नाम वो क्लियरली बता सकते हैं? लेटर ऑफ कमिटमेंट उसको बोलते हैं, जो है हुफ्तिगुंग जिकलारुंग उसको ऑस्ट्रियन या जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं, अच्छा, और लेटर ऑफ इंग्लिश में कमिटमेंट। लेटर ऑफ कमिटमेंट बोलेंगे उसको ना। चलिए जी, मैं चाचू को कह दूंगा। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी, थैंक मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू वजाहत। इसके सो बाद मच। हमारे पास है हमजा चीमा। हमजा आपके लिए क्वेश्चन करें, थोड़ा सा जो है ना आप एक दफ़े क्वेश्चन इकट्ठे कर लिया करें, ताकि मुझे वो फिर आसानी होती है आंसर देने में ना जी। हमजा भाई हमजा चले, नेक्स्ट है अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम काश वेलकम, सॉरी भाई। हैदर अली, आई एम सो सॉरी जी जी अच्छा हैदर अब काश अली। भाई, जो हमने बैंक स्टेटमेंट बनानी है उसके लिए जो प्रूफ ऑफ फंड्स है हमारे, उसके लिए मैंने प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए मैंने मतलब जो सीएल डीड बनवानी है जी वो करके बनवानी है कि घर है, तो अब वो जो उसका अगर लीगली प्रोसेस किया जाए, लेट्स सपोज अगर मैं किसी को भी वो ट्रांसफर कर मतलब सेल कर रहा हूँ, सेल डीड किसी के नाम पे बनवा रहा हूँ, तो वो तो लीगली ऑथेंटिक होता है ना, प्रॉपर एक उसके पास प्रूफ वो चला जाता है कि भाई हम उसको सेल कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, 100% आपकी बात सही है, बिल्कुल। हाँ तो मतलब यह है कि हमने ये जो प्रॉपर लीगली ट्रांसफर वाला एफिडेविट होता है हमने वही बनवाना है ना। बनवाना तो यही है, और अगर उस बंदे को पता चल जाए जिसको आप जिससे आप करवा रहे हैं, वो कल को कब्जा भी कर सकता है आपके ग्रुप घर पे। नहीं उसको तो नहीं ना बनवाएंगे, उसको तो नहीं बनाएंगे ना, उसको तो कहेंगे हम वाकई सेल कर रहे हैं इस बंदे को ना। नहीं, वो तो सही है, जिसको आप सेल कर रहे हैं वो तो कब्जा कर सकता है ना, वो तो ऑफिशियल लेटर है, हाँ ऑफिशियल वो है। तो कर सकता है, मैंने कहा वो तो कर सकता है, इसलिए किसी फिर बड़े ट्रस्ट वाले बंदे को के साथ बनाएंगे ना। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि एक्चुअली मेरा करेंसी में एडमिशन हुआ है, तो मैं ब्लॉक में ना अकोमोडेशन काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, तो स्टो ने पहले मतलब मुझसे कहा था कि आप अपने ना जो लेटर मिला आपको यूनिवर्सिटी वाला वो सेंड करें, और साथ में ना वो फिर उन्होंने कहा कि जो फीस डिपोजिट की है ना आपने उसकी भी हमें रिसीप्ट सेंड करें, तो फीस तब तक मैंने सबमिट नहीं थी करवाई, और अभी मैंने जमा करवा दी है और मैंने उनको वो सेंड किया, अभी तक मुझे उधर से रिस्पॉन्स तो नहीं आया, आ जाएगा, और वो वो आ फोर जाएगा, वो आ जाएगा, वो थोड़ा सा लेट आता है, आ जाएगा। फोर फिफ्टी 450 यूरो पर मंथ जो है ना रेंट है उनका ना। नॉट चीप वन, लेकिन ठीक है, मतलब तो अच्छा अब वो बिल। ये है, और अच्छा इसके अलावा मुझे एक और जगह से अकोमोडेशन ऑफर हो रही है स्पाइटाल में, स्पाइटाल तो 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है मतलब यूनिवर्सिटी से ना, सही है। तो यूनिवर्सिटी ने लिस्ट दी है उसमें स्पाइटाल का है कि आप वहां पर अकोमोडेशन ले सकते हैं, सही है। तो वो एक रैंडमली बंदा फेसबुक से मिला, वो बंदा ऑफर कर रहा है और ग्रुप में एक पोस्ट की थी उसने, तो कैन आई ट्रस्ट ऑन हिम, और वो जो है पाकिस्तानी है लड़का, फैसलाबाद से है, इस तरह से कुछ का आइडिया अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे भी कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे मसला ये है कि वो बंदा पाकिस्तानी है और वो सब लीज कर रहा है, और उसका क्या स्टेटस है, ये है।
आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना खुद करनी पड़नी है एफर्ट, मतलब आपको कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का ढूंढना पड़ना है जो एक दफ़ा उसे मिल ले, या आप उनसे कॉन्ट्रैक्टर ले लें, कुछ पार्शल उनको अमाउंट दे दें और बाकी जो है आप वहाँ जाके उसको दें, मतलब जिस दिन आप की लें बाकी पैसे दें, मतलब थोड़ा सा सेफ साइड पे आपको देखना अब पड़ेगा। मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर वो 30 डिस्टेंस पे है स्पाइटल यूनिवर्सिटी से, तो अब लेट्स सपोज अगर मुझे रोजाना आना जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली आना है, जी तो जी क्या मेरा खर्चा ज्यादा होगा, मतलब या उसका नहीं, क्या सीन ऐसा होता है? जितना नहीं होता, लाइक अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो आपका जो टिकट है ना वो अगर आपका 110 यूरो का 6 मंथ का है, तो अगर आप सिटी से बाहर रहते हैं ना तो वो 130 यूरो का हो जाएगा, और अगर आप सिटी से बहुत बाहर रहते हैं तो वो 160 हो जाएगा, मतलब। और वो ये 6 मंथ है, लाइक पर मंथ आपको जो सिर्फ 5 या 6 यूरो एक्स्ट्रा पड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इतना फ़र्क पड़ता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब आपको सही वो है। इशू नहीं है, ये डिस्टेंस का कोई इशू और नहीं है, इट्स ओके। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छी है, लाइक जो है ना ट्रेन्स और वो लोकल बसेस और वो सारा सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो कनेक्टिविटी रहती है, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं। और मंथली जो पास है यूनिवर्सिटी का उसमें भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, और नेक्स्ट ये है कि ये तो मतलब सच के प्रूफ ऑफ फंड दे रहे हैं ना, तो बैंक स्टेटमेंट के, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें प्रूफ ऑफ फंड हमजा अपन चीमा प्लीज काइंडली आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। जी सॉरी। अवकाश दे, जी जी सेकंड ईयर के लिए भी हमें प्रूफ ऑफ फंड मतलब देने के पैसे हम कहाँ अरेंज करेंगे या वो रहने दे? जी आपने प्रूफ के पैसे नहीं करने, आपने बस ये शो करवाना है कि जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको नेक्स्ट ईयर कर सकता है, लाइक उनकी कोई प्रॉपर्टी है या उनके पास इनकम आ रही है तो वो नेक्स्ट ईयर आपको जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, पैसे सिर्फ पहले साल के ही हैं। ठीक हो गया, ठीक ओके हो जी। गया। और ते मतलब स्पॉन्सर के अकाउंट से अपने बैंक में स्टेटमेंट ट्रांसफर करवाने में, मतलब 1 महीना पहले अगर ट्रांसफर करवा लें, कोई इश्यू तो नहीं है? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, इसमें विदाउट एनी डाउट आप कर सकते हैं। थैंक सो मच, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू हैदर जी। इनके बाद है मेरे पास, अच्छा अली हैदर भी हैं एक, आप काइंडली कर लें क्वेश्चन। ओके सलाम जी, वालेकुम वकास अस्सलाम जी अली हैदर। अच्छा भाई, मैंने ना थोड़े से 2 3 बेसिक से ही क्वेश्चन है। मेरी 25 मई की अपॉइंटमेंट है। जी हेलो। जी जी करें क्वेश्चन। अच्छा, 25 मई की ना अपॉइंटमेंट है, और मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं डॉक्यूमेंट दे के आ जाऊंगा तो मैं अप्लाई कब करूँ? कोई बंदा कह रहा है कि 2 मंथ बाद ट्रांसफर करें, क्योंकि आजकल तो रिस्पॉन्स कहने के 4 मंथ बाद ही आ रहा है तकरीबन, जो मैंने ग्रुप में देखा अली है। अली हैदर, आप अगर मई में दे रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, पता क्या है, आपको बगैर लीगलाइजेशन के अप्लाई करने का फायदा कोई नहीं है, आप अपना टाइम और यूनिवर्सिटी का टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। जब आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट कि आप आ ये कह जाए, रहे हैं कि जब मेरे पास लीगलाइज आ जाए हाँ, फिर ही तो मैं शुरू करूँ? फिर फौरन शुरू कर दें, लीगलाइज डॉक्यूमेंट आ जाए, उनकी नोटराइज कॉपी करवाएं, जो जो यूनिवर्सिटीज जो हैं बाय पोस्ट मांगती हैं उनको वो बाय पोस्ट सेंड करें, जो ऑनलाइन पोर्टल पे है तो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दें। तो अच्छा भाई, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने चाहिए, कॉपी जो पहले होती लीगलाइज डॉक्यूमेंट लीगलाइज कॉपीज दें, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स जो नोटराइज है ना उनके साथ हो रहा है एडमिशन, तो पहले आप भी जो है ना नोटराइज करवा के सेंड करें तो आपका जो है हो जाएगा। अगर वो फिर भी माने तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि दो यूनिवर्सिटीज ने आपको कहा है तो उसमें से कौन सी में आपने जाना है उनको पोस्ट कर दें। है? अच्छा, समझ आ गई भाई वाली। अच्छा भाई, मैं ना बैचलर के लिए कर रहा हूँ, तो 99 या 100% ये श्योर है कि आइट्स के बगैर नहीं होगा। तो हाँ जी, मतलब काफी ज्यादा है कि आइट्स के बगैर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आइट्स कर लेता हूँ तो क्वेश्चन ये था कि फिर A1 A2 करने की जरूरत तो नहीं है जर्मन?
अगर आपने आईएलटीएस करना है और A1 A2 इसमें से पूछना चाह रहे हैं कौन सा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम होस्टल के लिए आपको A2 करना चाहिए, A2 वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। मतलब कि वकास भाई मैं ये कह रहा था कि A1 A2 जो है ना उधर सर्वाइवल के लिए वैसे तो ठीक है, जॉब्स वगैरह के लिए ना A1 A2 कर लेना तो बेहतर रहेगा, उसका कोई मसला नहीं है। आईएलटीएस जो है ना वो एडमिशन के लिए जरूरी है। हाँ, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में तो आईएलटीएस चाहिए, लेकिन ये है कि अगर डिपेंड करता है शर्जील, जैसे आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल 50% या 60% या 65%, उसमें इतने चांसेस नहीं होते एडमिशन मिलने के, क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट में कंपटीशन भी ज़्यादा है ना। तो जर्मन स्टार्ट प्रोग्राम का ये बेनिफिट रहता है कि उसमें कंपटीशन कम है और ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन मिलने के। तो भाई अगर मेरे ना 54% मार्क्स हैं आईसीएस में, तो मेरे चांसेस हैं आईएलटीएस कर लूं। यार मैं सच कुछ ऐसा अब पिछली हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं ना, जैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने तो 50% अगर, क्या आपके किसी सब्जेक्ट में 50% से कम नंबर हैं? नहीं, तो, मेरे ख्याल में तो नहीं है, इंग्लिश में 50 से ऊपर ही है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके फिजिक्स मैथ या जो आपके आईसीएस के जो है कोर सब्जेक्ट है ना प्लस इंग्लिश, उनमें किसी में भी 50% से कम है तो वो आपको एडमिशन के चांसेस बहुत कम है। सेकंडली डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे, नॉर्मली 54 के साथ आई वुड से के कम चांसेस हैं, काफी कम चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि एडमिशन ही नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस काफी कम है। तो इसके लिए फिर भैया आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अभी मैं प्रोसेस को आगे लेके चलूं, अगर मुझे कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है या फिर इसे मैं स्किप कर दूं? अगर तो आपके पास ऑस्ट्रिया के अलावा कोई और ऑप्शन है तो आप उधर जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि ये जो है ना ये अपने परसेंटेज और इन मामलों में थोड़े से टफ होते जा रहे हैं ना डे बाय डे। और अगर आप लाइक 30,000 के करीब आप पे कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी तरफ जाएं कंपेयर टू आईएलटीएस करने के। अच्छा, कि मतलब A2 करके फिर जर्मन टॉट प्रोग्राम में एडमिशन लगा दिए कहना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि उसमें आपके चांसेस हैं फिर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं जी। नेक्स्ट है बदरुल जमान कमर, आई थिंक मैंने नाम सही लिया। अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। जी भाई जान, क्वेश्चन कीजिएगा। हेलो जी, हेलो जी जी, क्वेश्चन करें आप। अच्छा भाई, मुझे ये पूछना था कि मैं मैरिड हूँ और